हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रजनी शर्मा और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, पैंडेमिक जो सिचुएशन है, तो उसमें लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत सारे मिथ्स हैं जो सोसाइटी में फैल चुके हैं। लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं है कि कोरोना वायरस है क्या, कैसे होता है। बहुत से लोगों में मतलब इसको हर चीज़ से रिलेट कर रहे हैं जो कि मतलब इलॉजिकल सी बातें हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेनली कोरोना वायरस है क्या। और इस इन्फॉर्मेशन को देने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल से ही हूँ, मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ और इसके साथ में मैंने एक सर्टिफिकेशन अलग से भी की हुई है COVID-19 के लिए, जैसे पेशेंट की उनकी केयर कैसे करनी है उससे रिलेटेड, और साथ में इसकी पूरी स्टडी जो जितने भी हुई है उसकी भी मैंने एक सर्टिफिकेशन की है। तो मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी वो सब की सब पूरी लॉजिक के साथ में होगी, ठीक है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। पर उससे पहले मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस की एक खुद में बहुत बड़ी फैमिली है और उस फैमिली का एक पार्ट है कोरोना वायरस, मतलब उसका एक उस फैमिली से पूरी से एक वायरस जो है दैट इज़ कोरोना वायरस। स्टार्टिंग में ऐसे वायरसेस और आए थे जैसे MERS और SARS जो पहले आ चुके हैं, वो भी कोरोना वायरस फैमिली के ही हैं। MERS मतलब मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रम और SARS मतलब सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रम। तो ये सारे वायरस भी कोरोना फैमिली के ही हैं, बट इनका अब ट्रीटमेंट निकल चुका है, इनकी वैक्सीन निकल चुकी है। अब जो नेक्स्ट वायरस आया है वो है हमारा कोरोना वायरस, जिसको COVID-19 के नाम से भी हम जानते हैं। 2019 में इसका फर्स्ट पेशेंट डिटेक्ट हुआ था, इसको उसको COVID-19 बोलते हैं, ठीक है। ये तो था कोरोना वायरस के बारे में। एक बात और है कि कोरोना वायरस की जो फैमिली है वो दोनों मतलब ह्यूमंस में भी और एनिमल्स दोनों को इफ़ेक्ट करती है, बट ये जो कोरोना वायरस है ये कम्प्लीटली ह्यूमन के ही अंदर है, एनिमल्स में इसका कोई भी मतलब कोई आज तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारे आते हैं कि सिम्टम क्या है इसके, तो सिम्टम इसके अब जो नए पेशेंट आ रहे हैं वो तो एसिम्टोमेटिक भी हैं, बट मेनली इसके सिम्टम कौन कौन से हैं। तो मेनली इसके सिम्टम है फीवर, कफ़ और स्नीजिंग और टायर्डनेस। फीवर होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कफिंग होगी, ड्राई कफ होता है मेनली, और थकावट महसूस होगी बहुत ज़्यादा, और साथ में क्या बोलते हैं उसको, स्नीजिंग भी होगी, जैसे मतलब उसको ऐसा लगेगा जैसे फ्लू हो गया है, कोल्ड हो गया है मेरे को। ये इसके मेन सिम्टम है। इसके अलावा जो सिम्टम देखे गए हैं वो क्या क्या हैं, वो है जैसे नौजिया, मतलब उसको वॉमिट करने का मन करेगा। नेक्स्ट आता है नेजल कंजेशन कि नाक ऐसा लगेगा कि बंद हो गया है बिल्कुल। नेक्स्ट आता है हेडेक, सिर में दर्द रहेगा, सोर थ्रोट, गले में बहुत दर्द रहेगी, और साथ में डायरिया, जैसे डायरिया में जैसे लूज़ मोशंस हो गए या एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी, जैसे नौजिया मैंने पहले बताया था कि नौजिएटेड रहेगा तो वो वॉमिट करेगा एक्सेसिव, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन वगैरह भी हो सकती है। नेक्स्ट जो नए सिम्टम अभी अपीयर हुए हैं दैट इज़ रैश ऑन स्किन, स्किन के ऊपर रैशेज़ होंगे, या फिर जो आपके मतलब फिंगर्स हैं या टोज़ हैं उनकी डिसकलरेशन होगी। ये सारे सिम्टम जो हैं वो कोरोना वायरस के हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको कोल्ड कफ है तो इट मीन्स कि यू आर हैविंग कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस को ऐसे डिटेक्ट ना कीजिए आप घर में बैठ के कि इसको खांसी हो रही है, इसको कफ़ हो रहा है, इसको स्नीजिंग हो रही है, इसको कोल्ड हो रहा है, तो मे बी इसको कोरोना वायरस है। सबसे पहले कोरोना वायरस होने के लिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज़ कॉन्टैक्ट में जाना, मतलब उससे जाएंगे तभी उससे होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कोल्ड कफ हो रहा है तो उसको कोरोना ही है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
उसके साथ में हम लास्ट की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से जगह पे वो गया है जहाँ पे मतलब इसका कोरोना वायरस ज़्यादा फैल चुका था। अगर वहाँ से कोई लोग आया है तो वी कैन से कि हाँ इसको चांसेस हैं कि कोरोना है, बट हम डेफिनेट नहीं बोल सकते, वो बाद में फिर टेस्ट वगैरह से पता लगता है। ठीक है, ये तो हो गया अब इसके सिम्टम। नेक्स्ट आता है जो मेन जो है टॉपिक, दैट इज़ स्प्रेड, कि कैसे होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे मिथ्स सोसाइटी में फैल चुके हैं कि कैसे कोरोना वायरस होता है। ठीक है, स्प्रेड इसका मेनली जो होता है वो कफ के थ्रू, या फिर स्नीजिंग के थ्रू, या फिर जो पर्सन इन्फेक्टेड है उससे क्लोज कांटेक्ट से होता है। ठीक है, मेन किससे होगा स्प्रेड इसका, कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। अच्छा, अब क्लोज कांटेक्ट से कैसे होगा? ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको कफ करना है, तो कफ करने के दो तरीके हैं, या तो आप हाथ में कफ करेंगे ऐसे, या तो फिर ऐसे करेंगे, ये दो तरीके हैं इसके। ठीक है, तो जो तो आपने हाथ में कफ किया ये करके, तो उससे क्या हो गया, अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड है उसने हाथ में कफ किया और जो ड्रॉप्स थी उसके थ्रू वायरस उसके हाथ में जाएगा, और उन्हीं हाथ से अगर वो जैसे लिफ्ट के बटन को टच किया, किसी डोर के नॉब को टच किया, या घर में भी जैसे रेफ्रिजरेटर को खोला या फिर चेयर को टच किया, ऐसी चीज़ों के साथ अगर उसने टच किया तो वो वायरस वहाँ वहाँ स्प्रेड हो जाएगा, और नेक्स्ट जो कोई आएगा और उसको टच करेगा तो इस तरह से उसके अंदर वो वायरस चला जाएगा, इस तरह से उसकी ट्रांसमिशन हो जाएगी वायरस की। ये तो था फर्स्ट। अब सेकेंड था कि अगर आपने हवा में खांसा ये करके अगर आपने खांसी की तो कैसे होगा, अगर ऐसे आपने खांसी की तो वो वायरस क्या करेगा, ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि ये वायरस सबसे बड़ा वायरस है अपनी फैमिली का, और इस वायरस ये वायरस बहुत हैवी है, जिसकी मतलब ये नहीं बोल सकते कि बहुत हैवी है मतलब कितने किलो 2 किलो, बट नहीं, ये हैवी है वायरस, तो ये मतलब एयरबॉर्न नहीं है कि एयर के अंदर ये यहाँ पे खांसी किया तो ये आगे तक स्प्रेड होगा, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 1.5 मीटर तक ही ट्रेवल कर सकता है, उसके बाद ये फिर सरफेस पे सेटल हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ताकि वो 1 to 1.5 मीटर तक अगर वायरस आगे गया भी तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका स्प्रेड अगर खुले में हम लोग खांसी करते हैं। ठीक है, तो मेनली ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एयरबॉर्न नहीं है। एयरबॉर्न का मतलब ये नहीं कि हवा से यहाँ पे खांसी किया तो 1 किलोमीटर दूर किसी को हो जाएगा या एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ड्रॉप्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, बट इसका एक अपना डिस्टेंस है कि ये सिर्फ 1.5 मीटर ही ट्रेवल कर सकता है, इसके बाद ये सरफेस पे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, ये तो था इसका स्प्रेड, की स्प्रेड कैसे होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि सोसाइटी में इतने सारे केसेस आ रहे हैं तो उनका मतलब रिकवरी रेट कितना है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि 80 to 85% जो केसेस हैं वो सारे के सारे बिल्कुल माइल्ड सिम्टम से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, जिनके अंदर बिल्कुल माइल्ड सिम्टम थे और वो रिकवर हो गए 14 डेज़ के अंदर, अपने घर वापस चले गए। अब इसका 10 जो बचे 10 to 15% वो बहुत मतलब सीरियस जिनमें सिम्टम आते हैं, ये वो 10 to 15% ही लोग हैं जिनमें सीरियस सिम्टम आएंगे। बट सीरियस सिम्टम किन किन लोगों में ज़्यादा आते हैं, एक तो इसके लिए एज क्राइटेरिया है कि 60+ जो लोग हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, इस वजह से मतलब 60+ लोगों में इसके मतलब सिवियरिटी ज़्यादा है। साथ में इसकी सिवियरिटी मेडिकल कंडीशन जिन जिन लोगों में है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, रेस्पिरेटरी पहले से कोई डिसऑर्डर है, किडनी डिसऑर्डर है, तो इन सब लोगों में उसके जो लोग है सिवियरिटी और इसी ज़्यादा के है। कौन लोग इसमें मतलब किन लोगों तो में ज्यादा सिवियरिटी है इसकी। अब नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए अगर किसी को कोरोना सीवियरिटी वायरस इसकी हो उनमें जाता और है, ज़्यादा है। ठीक डिजीज है, हो जाती तो है, तो अब वो नेक्स्ट क्या आता है उसको क्या हमारे, करना चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट मैं इसमें बोलूंगी, दैट इज स्टे काम, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्ट्रांग, क्योंकि बहुत से लोगों में ये मिथ हो गया है, क्योंकि सोसाइटी में अब सिचुएशन ही ऐसी चल रही है तो सबकी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि अगर कोरोना वायरस हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बच सकता, इस तरह से। ऐसे थॉट्स प्लीज अपने माइंड से निकाल दीजिए।
अगर आप हेल्दी हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो आपको इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने पॉजिटिव थॉट्स रखिए। साथ में क्या करना है आपने, आरोग्य सेतु ऐप जो सब आजकल डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें अपनी कंडीशन आप एंड अनवेल दिखाइए। उसमें एक सेल्फ असेसमेंट करके एक आइकन आता है, आप वो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लीजिए और उसमें आप अनवेल की अपनी कंडीशन दिखाइए। उसके साथ में बहुत सारे गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर इस टाइम पे बताए हैं कि उन पे आप कॉल करके आप उनको अपनी सिचुएशन बता सकते हैं। तो वो लोग अपनी एक मेडिकल वैन वहां पे भेजेंगे, आपका असेसमेंट करेंगे और उसके बाद हो सकता है आपका वो लोग को इसका कोरोना वायरस का टेस्ट करके फिर आपको फर्दर बताएंगे कि हाँ अगर आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं है, और अगर इन्फेक्टेड है तो 14 डेज का वो ट्रीटमेंट चलता है हॉस्पिटल में, या तो आप तो वो ट्रीटमेंट के अंदर मेनली एसिम्प्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट हम इसमें करते हैं कि जो सिम्टम है सिर्फ उसी को ट्रीट करते हैं और 14 डेज के बाद फिर आपको घर भेज दिया जाएगा। अच्छा, ये तो था अब अगर हो जाता। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि प्रिवेंशन कैसे हम इससे कर सकते हैं। इससे प्रिवेंशन एक तो बहुत ही जो अच्छा जो मतलब सा पूरा भारत जिसको अडॉप्ट कर रहा है, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि ये वायरस हैवी वायरस है जो सिर्फ 1.5 मीटर्स तक ही ट्रेवल कर सकता है, उसके बाद सरफेस में सेटल हो जाएगा। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो एटलीस्ट 2 मीटर्स का गैप आप एक से दूसरे पर्सन के बीच में रखिए। दूसरा, बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। हो सके अगर आप बाहर जाएं तो सैनिटाइजर अपनी पॉकेट में रखिए और उसको बार बार यूज कीजिए। नेक्स्ट जो आता है कि अपने माउथ और अपने नोज को बार बार टच नहीं करना है, माउथ और नोज को, क्योंकि अगर आपने टच किया तो उसको एक अगर हैंड में रहेगा वायरस तो आप उसको वॉश करके या फिर है सैनिटाइजर लगा के उसको किल कर सकते हैं। बट अगर एक बार नोज के थ्रू वो ट्रांसमिट हो गया लंग्स के अंदर तो फिर वो आगे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो क्या क्या है इसकी प्रिवेंशन, एक तो हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए आप अपनी, और अपने माउथ और अपने नोज को बार बार टच मत कीजिए। दिस इज ये सारा मेरे टॉपिक के बारे में था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी हो कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई वीडियो इसके ऊपर बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ and stay at home. Bye.